Before starting this video, don't forget to subscribe my channel. Please मेरे channel को subscribe करें ताकि आप मेरी हर आने वाली video से updated रहें. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well. आज की video के title से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बात करने वाली हूँ best sunblock के बारे में. Sunblock is something जो summers में बहुत 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 important हो जाते हैं लगाने, और आप लोग ऐसा sunblock तलाश करते हैं जो non-greasy हो, जो paraben free हो. सबसे important बात paraben free हो, water resistant हो, कि अगर आप पानी से अपना मुँह भी धो लें तो उस सनब्लॉक की लेयर आपकी स्किन से उतरे ना. अब हम बात कर लेते हैं कि सनब्लॉक इम्पॉर्टेंट क्यों है और हर डर्मेटोलॉजिस्ट सनब्लॉक को क्यों रेकमेंड करते हैं. क्या आपने चाइनीज लोगों की स्किन देखी है? उनकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है? इसलिए नहीं कि उनकी जीन्स में है, इसलिए क्योंकि वो बचपन से ही सनस्क्रीन सनब्लॉक्स यूज करना शुरू कर देते हैं. सनब्लॉक जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रोवाइड करता है. एंटी एजिंग का मतलब है एजिंग से रोकता है. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन पे लगता है सन रेज. सन रेज यानी कि सूरज की रोशनी. सन रेज की वजह से हमें पड़ते हैं रिंकल्स. रिंकल्स आपकी आंखों पे सबसे पहले यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पूरी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी रिंकल्स आना शुरू हो जाती है, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाती है. लाफिंग लाइन्स उसको कहते हैं ना, जब हम हंसते हैं तो यहाँ जो लाइन्स बनती है उसको लाफिंग लाइन्स कहते हैं. तो स्किन को रिजनोवेटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं सनस्क्रीन और सनब्लॉक. और सनब्लॉक से आपकी स्किन भी इनहांस होती है, बूस्ट होती है, आपकी जो स्किन की एलास्टिसिटी होती है वो बढ़ती है. उसके अलावा स्किन का कलर, स्किन का टेक्सचर बहुत इम्प्रूव होता है, आपके ओपन पोर्स जो हैं वो बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाते हैं, स्किन आपकी इवन टोन होती है. इवन टोन का क्या मतलब होता है? एक कलर की स्किन हो जाती है. आज की वीडियो में मैं आपको दो बेस्ट सनब्लॉक आपके साथ शेयर करूंगी. एक है थोड़ा सा हाई एंड और एक है थोड़ा सा लो बजट. तो जाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं ये वीडियो बहुत ही अफोर्डेबल बनाना चाहती थी. एक और सनब्लॉक भी मैं आपको रेकमेंड करूंगी, वो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन उसके रिव्यूज बहुत बहुत अच्छे हैं. कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझसे पूछ रही थी कि वो एक सनब्लॉक यूज करती है और उनका जो फोरहेड है उस पर उनको जो है दाने बन रहे थे. तो दाने क्यों बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. दाने इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी अगर ऑयली स्किन है आपकी और आप उस पर लगा लेंगे सनब्लॉक. सनब्लॉक्स की भी टाइप होती है, ऑल स्किन टाइप वाला सनब्लॉक यूज करें. एक सनब्लॉक होता है जो ऑयली स्किन के लिए होता है, एक नॉर्मल टू ड्राई के लिए होता है. तो ये चीजें हमें बहुत ख्याल रखना है इन चीजों का. और सनब्लॉक आपने बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना है. हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि आपको सनस्क्रीन और सनब्लॉक जो है वो ये जो दो उंगली आपको दिख रही है ना यूज करना चाहिए, 1/4 teaspoon सनब्लॉक यूज करना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाहर की वीडियोज है. आप ये समझें कि वो बाहर के मुल्कों की वीडियोज है. वहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है, वहाँ का मोस्टली वेदर ड्राई होता है जिसकी वजह से वो बहुत सनब्लॉक यूज करते हैं. हमारा वेदर मॉइस्ट है. मॉइस्ट मतलब कि हमारी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो हमें इतना सनब्लॉक यूज नहीं करना. हमें बहुत कम क्वांटिटी में सनब्लॉक यूज करना है, इतना कि वो आपके पूरे फेस पे स्प्रेड आउट हो जाए और आपकी नेक पे भी. नेक को कभी मत भूलें. तो अगर आप इस तरह अपना सनब्लॉक यूज करेंगे तो आपको कभी भी दाने नहीं निकलेंगे. चलें तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा सनब्लॉक यहाँ पे आपको रिकमेंड करने वाली हूँ. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई एंड ब्रांड का. तो हाई एंड ब्रांड में मैं यूज करती हूँ स्पेक्ट्रा मैट. ये है सनब्लॉक, ठीक है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बट आई वॉन्ट कि आप इसको दराज से बाय करें बिकॉज दराज पे आए दिन बहुत सारी प्रमोशंस लगती रहती हैं, ऑफर्स लगती रहती हैं, तो आपको ये बहुत चीप पड़ेगा. इसका जो प्राइस है वो है 1300 to 1400 के बीच में, और ये पैराबेन फ्री है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, ऑल्सो इसमें परफ्यूम नहीं है बिल्कुल भी, इस खुशबू नहीं है. और आपकी स्किन के लिए वही प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं जिसमें खुशबू नहीं है. ये ग्रीसी भी नहीं लगता, आप इसको लगाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कुछ लगाया हुआ है. अभी मैंने यही सनब्लॉक लगाया हुआ है अपने पूरे फेस पे, आप देख सकते हैं शाइन भी कर रहा है. इसके अलावा मैंने अपने पूरे फेस पे भी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ एक सनब्लॉक लगाया और एक हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, और इसी लिपस्टिक को हल्का सा टिंट बना के लगाया, दैट्स इट. आई प्रॉमिस मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, सिर्फ ये लगाया. तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, ठीक है. और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सीबम कंट्रोल है, आपका सीबम नहीं बनने देता. सीबम क्या होता है, जो हमारे अगर आप अपनी नोज को थोड़ा सा यू पिंच करेंगे तो जो वाइट सा निकलता है उसको सीबम कहते हैं. वो क्यों बनता है? वो बनता है ऑयल्स की वजह से. तो ये बहुत अच्छा है, ये आप बाय करें. ये मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था, मैं तब से इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसको यूज़ करते हुए 3 साल हो गए. ये बहुत बेस्ट है, इससे मेरी स्किन का टेक्सचर भी बहुत इंप्रूव हुआ है. अब हम बात करेंगे थोड़ा सा लो एंड ब्रांड जो हर कोई अफोर्ड कर सके और जो इजीली अवेलेबल हो. तो ये जो है मेरे पास, ये है जिनसोए का सन प्रोटेक्टर मॉइस्चराइज़र. ये आपको मिल जाएगा ईजीली दराज से, आप इसको बाय करें. मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाएँ और इसको बाय करें. इसमें है मलबेरी एक्स्ट्रैक्ट,
लीव एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत माइल्ड खुशबू है, इसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं होता इसीलिए इसमें अल्कोहल भी नहीं है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि ये मॉइस्चराइजर भी है और ये सनब्लॉक भी है और ये फेस और बॉडी दोनों के लिए। और इसमें यहाँ पे मेंशन है कि योर आइडियल स्किन केयर, इसमें यूवी प्रोटेक्शन सन लेयर्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये स्किन को ब्राइट करता है, ये क्लीन करता है और स्किन को रेडिएंट भी करता है। तो इससे आपका कलर है वो काफ़ी जो है फेयर सा लगता है और ये बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है। वाइट कास्ट वो होती है जो आप देखते होंगे आप स्किन सनब्लॉक लगाते हैं तो एक वाइट सा कास्ट आ जाती है, उसको वाइट कास्ट कहते हैं, इसमें वो भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से इंडोनेशिया का बना हुआ है। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो बाहर का बना हुआ है और पता नहीं इसकी क्या प्राइस होगी, तो नहीं, इसकी ये आपको मिल जाएगा 400 रुपीज़ का, 400 से 450 के बीच में ये आपको इजीली मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि इसकी जो लॉन्गेविटी है वो है 4 साल की, तो यहाँ पे ये 2021 में बना था और ये 2024 में एक्सपायर होगा, ठीक है, बिल्कुल शुरू में फेब में बना था, तो 4 साल की इसकी आपको एक्सपायरी मिल रही है, तो मतलब ईजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आता है 100 ग्राम्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये डबल वाइटनिंग है, तो ये इससे आपका स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन का जो कलर है वो बहुत इम्प्रूव होता है। मैं इस वाले सनब्लॉक को जो है अपनी पूरी बॉडी पे यूज़ करती हूँ। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर इस तरह का है, ये बिल्कुल वाइट कलर का है। जब आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो मैं वो जो वाइट कास्ट की बात कर रही थी ना कि इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है और रेडियंट बनाता है, इसमें कोई किसी किस्म की जो है वाइट कास्ट नहीं है। अब आप देखेंगे और ये इतना लाइट है, ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल चला गया स्किन में, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ लगाया, और बहुत वाटरी टेक्सचर है इसका। अब आप ये देखें, ब्राइट, और मेरी स्किन ब्राइट लग रही है। इस वाले पे मैंने लगाया, इस पे मैंने नहीं लगाया, तो ये सबसे अच्छी बात थी इसकी जो मुझे अच्छी लगी थी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग इसको यूज़ करें। अब मैं इसका आपको बता देती हूँ, आप देख रहे होंगे इसकी क्वांटिटी कम है, तो ये सिर्फ आप फेस के लिए रखें क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। इसकी जो है ना वो इस तरह की है, इसकी जैसे वैसलीन का टेक्सचर होता है ना, ये बिल्कुल वैसलीन की तरह है, ठीक है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगा ली। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको बहुत कम अमाउंट में लगाना है, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया है, आपको बस इतना सा लगाना है, हल्का सा, वो इतना अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगा आपकी स्किन पर कि आप कहेंगे कि वाह यार ये तो मेरा बहुत टाइम तक चलेगा। जब मैंने इसको बाय किया था तो मैं यही सोची थी कि इतना छोटा सा और इतना एक्सपेंसिव है यार, मतलब ये तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप यकीन करें ये एक ट्यूब जो है ना मैं रोज़ यूज़ करती हूँ और ये एक ट्यूब मेरी 3 महीने से 4 महीने चलती है, तो अच्छा नहीं है, लाइक अमेजिंग। तो इसका आप देखें कि ये इससे मेरी स्किन कितनी शाइनी लग रही है, ठीक है, और ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये मेरी रिकमेंडेशन पे यूज़ करें। और जो तीसरा सनब्लॉक मैं आपको बताया कि जो मेरे पास अभी मौजूद नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो बेस्ट सनब्लॉक है जिसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, मैं पर्सनली खुद भी यूज़ कर चुकी हूँ और मेरी फ्रेंड ने मुझे वो रिकमेंड किया था, दैट इज़ रिवाज का सनब्लॉक, बहुत अच्छा है वो। आप मैं रिकमेंड करूँगी कि वो आप अपनी बॉडी के लिए यूज़ करें, वो बहुत बहुत अमेजिंग है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछें, या ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पर मैं डाल दूँगी, इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, इस पर मुझे जाके फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर पूछ लिया करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा, एक नीचे एक एरो होगा, आप उसको दबाएंगे तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा, वहाँ मैंने सारे प्रोडक्ट्स की लिंक अटैच कर दी है, वहाँ से जाके बाय करें उसको, ठीक है, दराज से बाय करें, आपको बहुत एडिशनल डिस्काउंट्स मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।